जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सुल्तान हैदर और राना अहमद, जो कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बहुत परेशान हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये इनको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी आप लोग बताएं कि आप लोग जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उसमें कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सबसे पहले सैयद सुल्तान हैदर आप बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर ये कि मतलब ये चीज़ पहले एक्सपीरियंस ही नहीं रहा हमें कि ऑनलाइन क्लासेस का, कि पहले हमने की नहीं इस चीज़ का, मतलब टोटली हमें कोई आइडिया ही नहीं था। पर ये भी है कि पहले मतलब कुछ हर चीज़ कोई ना मतलब आपको कुछ नया सिखाती है, हमने कभी ना कभी हर एक चीज़ का नया एक्सपीरियंस करना होता है। पर सर इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमें इसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, उस लिहाज से वर्स्ट भी कह सकते हैं आप। बिकॉज सर को ना एक फिजिकल अपीयरेंस जो स्पेशली होती है ना टीचर्स की, वो बहुत मायने रखती है, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। बिकॉज हमें ना एक टीचर समझा रहा है उसके जेस्चर से, उसके समझाने के अंदाज से, ताकि वो भी फिर एक ना मतलब हेजिटेशन कोई नहीं होती। अभी भी होता है पर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सबसे पहले मतलब टीचर समझा रहे होते हैं तो पहले सबसे पहला मसला ये आ जाता है कभी कि नेट का प्रॉब्लम आ जाता है, कि मतलब नेट इशू आ जाता है। अब हर एक के पास मतलब हमारे यहाँ के मतलब जरूरी नहीं है कि हर टाइम कोई अच्छा नेट प्रोवाइड हो, तो मतलब एक इशू आ जाता है। और दूसरा ये होता है कि सर एक प्लेटफॉर्म हम इतना पे करते हैं, मैंने मतलब अपने इंस्टीट्यूट को पे करते हैं, तो वो हमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके देते हैं जिसमें हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, जिसके जी लिहाज से मतलब जो एक पढ़ने के लिहाज से अच्छा एनवायरनमेंट होता है। ठीक जी जी है सर। जी राना अहमद साहब आप बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से? काफी अच्छा नहीं है। फर्स्टली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, सुल्तान ने भी जो बात बताई है कि नेट सिग्नल जो है हमारे जी वीक हो जाते हैं, कभी टीचर की साइड से कभी हमारी साइड से। टीचर जी जी की साइड से अगर वीक नहीं होते, उनकी आवाज आती रहती है, हमारी साइड से वीक हो जाए तो हमें उनकी आवाज नहीं आती। और टीचर के जहन में यही होता है कि सारे सुन रहे हैं और आगे टीचर जी बोलते जाते हैं और टॉपिक आगे निकलता जाता है। ठीक है ना। और दूसरी ये बात के जो इधर उधर की आवाजें आती हैं, अभी एक टीचर है जो हमें लेक्चर देते हैं, अगर स्टूडेंट्स की तरफ से कोई आवाज नहीं ना जाती अगर लेक्चर में, तो टीचर हैं हमारे एक, अब मैं बताऊंगा नहीं नाम, तो उन्होंने नहीं, आपको मुर्गियां जरूरत रखी नहीं हुई है हैं। किसी टीचर का नाम बताने की, आपको जरूरत नहीं है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी नॉमिनेट करने की जरूरत नहीं है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं। आप सिर्फ अपने ऑनलाइन लेक्चर्स के हवाले से यहाँ पे बताएं कि आपके ऑनलाइन लेक्चर जो हैं उसमें कैसा एक्सपीरियंस है आपका, सिर्फ जनरली आप बात करें। जी तो मैं यही बताने लगा था कि अगर टीचर सबके माइक ऑफ होते हैं तो टीचर की तरफ से आवाजें आती हैं, टीचर की तरफ वो से भी आवाजें आती हैं? टीचर की तरफ से किस तरह की आवाजें आती हैं? मतलब कि अब एक है ना हमारे प्रोफेसर, वो अच्छा हमें स्टडी करवा रहे होते हैं, तो उन्होंने रखे हैं मुर्गे मुर्गियां अच्छा रखी अच्छा हुई हैं अच्छा घर में, तो वो पीछे बोलते हैं तो उनकी आवाज भी फिर कानों को इरिटेट करती है, और इतनी ज्यादा इरिटेट करती है कि बता नहीं सकता मैं। तो आपके ऊपर कहने का से हैंग मकसद, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो ऐसी जगह पे बैठे होते हैं जहां एनिमल्स होते हैं? मतलब कि उन्होंने घर में रखे हुए हैं ना, अच्छा अब अच्छा अपने रूम में बंद होकर या ऊपर साइड पे कहीं पे होकर बैठ जाए बंदा तो शायद ना आए आवाजें, लेकिन वो बैठे ही शायद उनके पास ही होते हैं तो उधर ही जी लेक्चर जी दे रहे होते हैं। और तीसरी बात ये कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ जी से भी जो शरारते करते हैं, ऐसे ही आवाजें निकालते हैं, या कोई वीडियो लगा देता है, कोई गाना लगा देता है, ठीक है, एवं यानी शरारत कि आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन लेक्चर्स में टीचर्स का कंट्रोल नहीं है क्लास के अंदर? हाँ जी कंट्रोल नहीं है। ठीक हो गया। अभी एक और साहब हमारे साथ आए हैं, अमार राशिद हैं ये। इनसे हम जानते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमार राशिद साहब कैसे हैं आप? जी तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपको वीडियो आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा हम बात कर रहे हैं जी कि ऑनलाइन क्लासेस के एक्सपीरियंस के हवाले से, कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से? जी पहले तो वैसे टीचर्स के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि टीचर्स जो है हमारे माशाल्लाह वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन टाइम वो जो हैं उनकी जो स्टडीज है वो रुक नहीं जाए,
बल्कि उनका जो ये टाइम है वो एक अच्छे तरीके से स्पेंड हो कि वो घरों में रहें तो थोड़ा बहुत सीखें भी. लेकिन एक चीज तो ये कि उनको मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, दूसरी चीज ये है कि हमारी जो मैनेजमेंट है उनको एक चीज समझनी चाहिए कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उसमें हर तबके के लोग आते हैं. लाइक हम उनको क्लासेस कहते हैं नॉर्मल वर्ड्स में कि हर क्लास के लोग आते हैं, लोअर क्लास से भी होते हैं, मिडिल से भी होते हैं और अपर क्लास से भी होते हैं. तो जहां तक बात की जाए अपर क्लास के लोगों की और मिडिल अपर क्लास जो लोग होते हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है कि वो घर बैठ के भी ये क्लासेस ले सकते हैं. अगर मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करूं इसके ऊपर, क्योंकि जो नॉर्मल घरों के अंदर हमारे अगर मिडिल क्लास में आ जाए तो वहां पे 1 MB से लेकर 1 MB तक होती है, और इस क्वारंटाइन टाइम के अंदर सारे घर वाले घर पे होते हैं और एक थोड़ा क्रिएट हुआ हुआ होता है घर में, हर लोग जो होते हैं हमारे घर वाले सारे वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक कनेक्टिविटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है. तो जो के बच्चों को फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग अगर ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, या उनको टीचर्स ने एक सोल्यूशन दिया था कि आप लोग वीडियोस डाउनलोड कर लें, लेकिन जो हमारे अब कई बच्चे हैं उनको रोज रोज इसके ऊपर पैकेजेस करना पड़े हैं. लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे तो शॉप्स वगैरह भी बंद पड़ी हुई है, तो टॉप अप के लिए हम बाहर नहीं जा सकते. तो एक बहुत ज्यादा यानी कि एक मसला क्रिएट हो रहा है हमारे लिए. अब हर तरह के लोग हैं तो अपर क्लास को इसमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन लोअर क्लास है. अब एक चीज आ जाती है कि थोड़ा सा मसला हो रहा है, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की बात करें उनके घर में तो इंटरनेट ही नहीं होते. और कई हमारे बैकवर्ड इलाके से भी जो लोग होते हैं जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मसला बन जाता है वो कैसे आए इसके ऊपर. अब जाहिर है इस टाइम के ऊपर सारों को पता है, चीजें छुपी हुई नहीं है, माशाल्लाह सारे हम लोग जो है वो मशहूर हैं इतने, और हर चीज इस बात को, हर बंदा इस बात को जानता है कि खाने का बहरान थोड़ा बहुत हो रहा है, खाने की किल्लत हो रही है, गरीब लोग हैं इसके अंदर. तो अब मुझे एक सवाल है सबसे मेरा कि इस वक्त के अंदर हम लोग जो है वो पैसा अपने इंटरनेट के ऊपर लगाएं क्लासेस लेने के लिए, या फिर अपने खाने के ऊपर लगाएं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपने जो लेक्चर्स हैं उन लेक्चर्स को मैनेज किस तरह से करते हैं? क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई आपको स्केड्यूल दिया गया ऑनलाइन लेक्चर्स के हवाले से, या फिर आप लोगों को खुद से मैनेज करना पड़ता है टीचर्स के साथ डिस्कस करके? ऐसा तो नहीं है कि कोई टीचर आपको कहता है कि भाई 11 बजे आपका लेक्चर होगा तो दूसरा टीचर भी उसी टाइम पे आपको कह रहा है कि भाई आपका लेक्चर होगा? सर इस मैं आपको कह रहा था कि इस लिहाज से देखा जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी ने जैसे मतलब रेगुलर क्लासेस में एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाया होता है, एक मतलब टाइम टेबल है. तो उस लिहाज से देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ने एक प्रॉपर हमें एक मतलब सिस्टम है उसके थ्रू एक स्केड्यूल बनाया हुआ है उन्होंने कि उस स्केड्यूल के लिहाज से हमारी क्लासेस हो रही हैं, और उसी मतलब स्केड्यूल के लिहाज से हमारी मतलब टीचर्स हमारी अटेंडेंस वगैरह सब कुछ मतलब नोट डाउन कर रहे हैं. यानी कि आपकी पूरी प्रॉपर मैनेजमेंट के लिहाज से जितनी उन्होंने स्केड्यूल जो बनाए हैं बिल्कुल उसी के मुताबिक ही आपकी क्लासेस हो रही हैं? यस सर, वो प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू हो रही है, कोई भी मतलब मिसमैनेजमेंट उस लिहाज से नहीं है कि कोई भी टीचर नहीं कह रहा कि मतलब मैं उस टाइम ले लूंगा या जब वो फ्री. जी ठीक हो गया. अब राणा अहमद साहब आप बताएं, आपकी क्लासेस भी जो आपकी यूनिवर्सिटी जो क्लासेस करवा रही है वो भी स्केड्यूल के मुताबिक ही करवा रही है और पूरी तरह से आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी वाले? जी सर, ऐसे ही स्केड्यूल बनना हुआ है हमारा. किस दिन किस टीचर का लेक्चर होना है वो सारा हमें पहले ही बताया हुआ है, टाइम बताया हुआ है, और हम और टीचर्स जो है उसी टाइम पे ही ऑनलाइन होते हैं और एक लेक्चर कंडक्ट होता है. ठीक है. अमार राशिद साहब आप बताइएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी भी स्केड्यूल के मुताबिक ही चलती है या फिर कोई और तरीका कार है उनका? एक तो चीज है कि उनका स्केड्यूल जो उन्होंने कहा है कि जो ऑफिशियली अनाउंस किया था वो सिर्फ ये था कि आप स्केड्यूल के जैसे आपका टाइम टेबल बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे. लेकिन जब से हमारा ये इम्प्लीमेंट हुआ है ऑनलाइन सिस्टम, टीचिंग सिस्टम जब से इम्प्लीमेंट हुआ, तो पहले उन्होंने स्टार्टिंग में ये किया था कि ऑनलाइन आपकी क्लासेस ले रहे हैं और ड्यूरिंग दैट आपको लेक्चर के अंदर अगर वहीं पर डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, लेक्चर दे रहे होंगे, कोई मसला हो डायरेक्टली आप उनसे पूछ सकते हैं. लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसके अंदर थोड़ा मसला आ रहा है तो उन्होंने एक नया तरीका जो है एक एक्सपेरिमेंट करने के स्टार्ट किया है, वो ये है कि पहले से वो लेक्चर्स जो है रिकॉर्डेड अपलोड कर देते हैं और बाद में पूछ लेते हैं अगर आपको कोई मसला हो. लेकिन फिर भी उसके अंदर एक चीज ये है कि सारी क्लासेस नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल हमारा एक कोर्स है 3 क्रेडिट आवर का, वो हफ्ते में एक क्लास ले रहे होते हैं. अब मसला यहाँ पे ये आता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम हमारे लिए उन्होंने लेक्चर अपलोड कर दिया तो पहले हमें वो देखना पड़ेगा, और उसके अंदर भी कईयों के पास इंटरनेट नहीं है, अगर उनको भी कोई देखना है तो बाहर जो ये किसी दूसरे घर जाके देखना पड़ेगा, और बाहर निकलते हैं तो आपको पता ही है क्या माहौल है और किस तरीके से यानी कि इज्जत अफजाई होती है. खैर उस चीज को मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज है जो मैं इसके अंदर यहाँ पे आपसे करना चाह रहा था वो सिर्फ ये है
कि अगर हमें कोई वीडियो देखनी है उसको 3 से 4 दफा पहले देखना पड़ेगा और बाद में फिर उसके ऊपर हम लोगों को वो क्वेश्चन आंसर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर मसला हमारे साथ ये आ रहा है कि आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग बना दी है, आप एक फॉर एग्जांपल आप सिविल इंजीनियर, आपने एक बिल्डिंग बना दी है, आपने जब पूरी बिल्डिंग तैयार कर ली है उसके बाद आपका जो इंस्ट्रक्टर है आपसे बोल रहे हैं अगर इसके अंदर कोई फ्लॉ है बिल्डिंग के अंदर बेस के अंदर, आप वहां पे जाओ और वहां पे जाके इसकी एक जो ब्रिक वगैरह है इसकी बेस को स्ट्रांग कर दो, ये वो वाली चीज हो जाती है कि पहले आपने बिल्डिंग बना दी एंड पे वो पूछे अगर आपको कोई बेस में क्वेश्चन था तो आप वो पूछ लो, तो एक बिल्कुल ही फ्लॉप आइडिया है। का मतलब आपको टीचर्स नहीं समझा रहे, आपको खुद से समझना पड़ रहा है सारा कुछ, जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल यही चीज है। लेक्चर की वीडियोस जो हैं वो 2 से 3 माह मतलब आपको देखनी पड़ती है, इसका मतलब आप खुद से समझ रहे हैं, टीचर आपको कुछ भी नहीं समझा रहे। जी यही होता है कि हम लोगों को पहले वो वीडियो काफी देखनी पड़ती है, उसमें आवाज का इशू, जाहिर है यूट्यूबर तो वो है नहीं है तो उनको पहले आवाज का इशू आ रहा होता है और बाद में फिर उसको एडिटिंग करना, बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं उसके अंदर, और उन चीजों को भी लेके आगे बच्चों को समझाना और बच्चे समझ भी नहीं पाते। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चे को स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आ जाता है तो वो आगे पूरी वीडियो जो देख लेगा अपना टाइम उस पे लगाएगा, सारा वेस्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे आप ये मतलब टीचर हैं, आप इस चीज को जानते हैं, पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो आगे वीडियो कैसे क्लियर हो जाएगी आपकी। अच्छा मुझे ये बताइएगा जो वीडियो टीचर की जो वीडियो देखते हैं उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो फिर आप टीचर से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से टीचर से पूछते हैं? वही मैंने आपसे अर्ज किया था कि अगर फॉर एग्जांपल 3 क्रेडिट आवर का भी कोई कोर्स होता है ना तो हफ्ते में सिर्फ एक ही लेक्चर लेते हैं, वो जूम के ऊपर हमारी ऑनलाइन क्लास होती है और वहां पे वो क्वेश्चन आंसर पूछ रहे होते हैं, और सीधी बात ये है कि आदमी उस वक्त उनसे पूछ नहीं पाता, और अगर एक इतनी हसल बसल हो रही होती है उस वक्त क्लासेस के अंदर, जाहिर है शोर ये वो बहुत ज्यादा उसके अंदर मसला आ रहा होता है, तो बंदा वो उस तरीके से क्वेश्चन पूछ नहीं सकता टीचर से और समझ भी नहीं पाता। जाहिर है कि हम इंजीनियरिंग की अगर आप बात कर लें जो मोस्टली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे तो उसके अंदर भी ये होता है उनको एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस चाहिए होता है, लैब्स हो गई, उनको एक वीडियो दिखाई जा रही है, मतलब मजाक चल रही है एक किस्म का, उन्होंने हमसे इतना पैसा लिया है एक लैब को हमसे 12,000 चार्ज करते हैं तो वो सिर्फ एक वीडियो दिखा के सब खत्म कर दिया उन्होंने। जी जी इसके पीछे करप्शन भी हो रही है अगर मैं इस चीज की अगर आपसे बात करूं तो। अच्छा हमारा आशीष साहब इतना पैसा उन्होंने हमसे ले लिया और सारा जाया कर दिया। जी जी बोले आप मुझे ये बताइएगा, इसी वजह से तो हम यहाँ पे बैठे हैं कि स्टूडेंट के जो भी इश्यूज हैं वो डिस्कस किए जाएं प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप मुझे ये बताइएगा आपके सारे टीचर्स जो हैं, क्योंकि एक सेमेस्टर के अंदर 5-6 या 6 सब्जेक्ट जो हैं हम लोग पढ़ रहे होते हैं, आपके सारे टीचर जो हैं वो सारे के सारे यूट्यूब के ऊपर वीडियोज अपलोड करके आपको लिंक दे देते हैं या फिर अलग अलग तरीकाकार हैं उनके समझाने के, पढ़ाने के और ऑनलाइन क्लासेस लेने के? जो सारे टीचर्स हैं वो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देते हैं और उसका लिंक दे देते हैं और उसके बाद में हमें वहीं से वो लिंक वगैरह दे के हम वहाँ से वीडियोस वगैरह जो है वो देख रहे होते हैं, और कई लड़के तो ऐसे होते हैं जो देख ही नहीं रहे क्योंकि जाहिर है उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लो क्लास के बच्चे हैं वो लोग, मतलब फैमिली है। जी इसका मतलब अगर ये समझें यूनिवर्सिटीज के जो टीचर्स हैं, आप लोगों के जो टीचर्स हैं वो अपने यूट्यूब के ऊपर व्यूज बढ़ा रहे हैं, अपने चैनल चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी से अलग से पे ले रहे हैं और अपने चैनल से अलग से इनकम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। सैयद सुल्तान हैदर आप मुझे ये बताएं कि आपके टीचर्स भी इसी तरह से पढ़ाते हैं कि आपको वीडियोस के लिंक दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि यूट्यूब के चैनल पे जाएं, वहां जाके आप सारा मटेरियल जो है वो देखें, समझें, उसको समझने के बाद फिर आके हमारे साथ डिस्कस करें? नहीं सर, इस तरह का तो कोई इशू नहीं है, वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट ऐप है टीम, उस पे हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो वो मतलब जैसे आपको आगे बताया था कि एक प्रॉपर स्केड्यूल है उसके लिहाज से वो हमारी मतलब क्लास ले रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, ऑनलाइन होते हैं सारे क्लास के स्टूडेंट, प्रॉपर स्केड्यूल तो है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके टीचर्स पढ़ाते किस तरह से, जैसे एक प्रॉपर क्लास होती है, टीचर सामने खड़े होते हैं, मल्टीमीडिया के ऊपर पढ़ा रहे होते हैं या फिर व्हाइट बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में टीचर्स का क्या मतलब? जी जी सर, रेलेवेंट टॉपिक से मुताबिक उन्होंने टीचर्स ने स्लाइड बनाई होती हैं और वो जो उनके लैपटॉप पे स्क्रीन होती है वो हम शेयर कर देते हैं वो हमारे साथ, और ऑनलाइन हम उसको साथ साथ पढ़ते रहते हैं स्लाइड से। पर जैसे कि मैंने आपसे पहले बात की थी कि टीचर्स की फिजिकल अपेयरेंस बहुत जरूरी होती है, उस लिहाज से कि एक आई कॉन्टेक्ट होता है एक टीचर का और स्टूडेंट का, जिससे मतलब वो एक वो चीज मायने रखती है, वो चीज जब नहीं होती तो उसकी वजह से कुछ मतलब सर मतलब हमें मतलब कह सकते हैं कि हमें प्रॉपर एक चीज नहीं पिक नहीं कर पाते, और दूसरी वजह से कि इन्वायरमेंट का मतलब बहुत ज्यादा मसला होता है कि समटाइम्स ऐसे हो रहा होता है कि बच्चे
टीचर्स उनका माहौल ऐसा होता है, आपको पता है कि क्वारंटाइन के डेज हैं तो सब लोग घर पे होते हैं, तो पीछे से घर फैमिली का शोर, अगर लेट सपोज कि मतलब किसी ने घर में कोई जानवर रखे हैं तो उनका शोर, मतलब डिस्टर्बेंस जब क्रिएट होती है तो हम प्रॉपर अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमारे मतलब माइंड से टॉपिक भी स्लिप हो जाते हैं। तो जब एक बच्चा मतलब बोलता है, लेट सपोज के अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरीज है तो कोई भी पूछे, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि दो बच्चे या तीन बच्चे एक टाइम बोल पड़ते हैं, तो फिर इस तरह होता है कि सब बच्चे के मतलब कोई बोला है उसको देख के ना चुप हो जाते हैं कि मतलब शायद किसी और ने बात करनी है, तो इस तरह एक गैप आ जाता है, तो मतलब वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है जिससे ना मतलब काफी ना मतलब हम डिस्टर्ब होते हैं अपनी स्टडीज में। तो फिर टीचर्स जो हैं वो किस तरह से अपना मैसेज कन्वे करते हैं आप लोगों को, अगर 10 लोग बोल रहे हैं एक साथ तो उसके बाद सारे आपने जैसे बताया कि चुप हो जाते हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट के अंदर। टीचर्स को तो टीचर्स को तो मतलब अब उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है तो जाहिर सी बात उन्होंने करना है, वो बस ये होता है कि मतलब टीचर्स जब समझा रहे हैं वो तो वो खुद पे है कि मतलब कुछ वो कि हम वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स अपना माइक ऑफ कर, पर ये भी हो गया टीचर्स सम ये भी एक सबसे मेरे माइंड से स्किप होगी कि समटाइम ऐसा होता है कि सर स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो प्रेजेंस शो करवा कर, मतलब वहां पे आपको टीचर्स को तो ये ऑडियो कॉल्स होती है, विजुअल नहीं होती, मतलब वीडियो नहीं हो रही उसमें, तो ऑडियो होती है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे क्या कहते हैं सर ऑनलाइन होते हैं क्लास में, मतलब वहां पे शो हो रहा है, तो क्योंकि टीचर ने गाइडलाइन दी है कि आप जब मैं समझा रहा हूँ तो आप अपना माइक बंद कर दें ताकि कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो, तो ऐसा होता है कि बच्चे बस अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं और असल में वो लेक्चर नहीं सुन रहे होते, वो पता नहीं कहाँ पे हैं, कि टीचर्स पूछ रहे होते हैं कि यार ये कौन कर रहा है, लाइक कौन कर रहा है, कौन है ये जो भी कर रहा है, ये चुप कर जाए, मतलब वो उस टाइम पनिश भी नहीं कर सकते, एक टीचर का डर होता है, वो भी नहीं उस चीज मतलब स्टूडेंट उस चीज को भी नहीं देख रहे होते, वो चीज मतलब वो उनको वो नहीं मतलब होता कि डर भी नहीं, कब कह सकते इन अदर वर्ड्स के उनको एक डर भी नहीं होता कि टीचर्स है क्लास में। जी ठीक हो गया, अब राणा अहमद साहब आप बताइएगा आपके टीचर्स जो आप लोगों आपको पढ़ाते हैं वो किस तरह से पढ़ाते हैं, क्या उनका सिनेरियो है, वो किस तरह से आप लोगों को मैसेज कन्वे करते हैं, किस तरह से टॉपिक्स आप लोगों को समझाते हैं, वो जरा बताइएगा। जी सर हमारे टीचर्स जो हैं वो लैपटॉप की स्क्रीन अपनी शेयर कर देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम हमारा जो ऐप है वो ही हमें दी गई है, उसी पे सारे ऑनलाइन होते हैं, टीचर्स अपने लैपटॉप की स्क्रीन शो करते हैं, उस पे स्लाइड्स चलती रहती हैं और टीचर जो हैं वो बोलते रहते हैं समझा रहे होते हैं, लेकिन उसमें ये है कि टीचर जब बोल रहा होता है सबके माइक ऑफ होते हैं जी और जी। जब टीचर पूछता है कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर सबके माइक एकदम ऑन हो जाते हैं, चार पांच लड़के या जो भी गर्ल्स भी साथ ऐड होती है एकदम से सारे बोलना शुरू हो जाते हैं, वो ऐसे जो है ना अटेंशन जो है डाइवर्ट हो जाती है, सारे एकदम ही चुप कर जाते हैं, सारे एकदम ही बोलना शुरू हो जाते हैं। अब राणा अहमद साहब ये बताइएगा। जी जी सेकंड ये बात सर के ये ऐसे तो जैसे ये लेक्चर हमें कंडक्ट करवा रहे हैं टीचर्स जी इसका तो ऐसा कोई इतना फायदा नहीं है क्योंकि ऐसे लेक्चर तो हम टॉपिक का नाम लिखकर यूट्यूब पर भी उन्हें सुन सकते हैं समझ सकते हैं, ये सेम वही चीज है कि अगर हम यूट्यूब पे भी उन्हें सुन लें तो उतनी हमें फिर भी समझ लग जाएगी जैसे हम अपने टीचर्स को ऐसे सुन रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ऑनलाइन होकर, ये दोनों चीजें एक साथ हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी अमार राशिद साहब आप मुझे बताइएगा आपकी यूनिवर्सिटीज के हवाले से क्या एक्शन लिया गया इसके ऊपर के आप लोगों को थोड़ी सी फैसिलिटी दी जाए, इसमें कोई रिलैक्सेशन आप लोगों को दी जाए, ऐसा कोई सिनेरियो हुआ यूनिवर्सिटी की तरफ से? जी पहली बात तो ये कि मैं एक यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे बोलूंगा नहीं, लेकिन एक चीज ये है कि अब जब यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है तो थोड़ा सा आपको मैं शेयर कर देता हूँ ये जी जी कि यूनिवर्सिटीज जो है वो जाहिर है उनके ये फायदे की चीज है कि ऑलरेडी उनके पास जो है एक अमाउंट आ चुकी है और वो इस चीज को बहुत हेक्टिक सिचुएशन उनके लिए बन जाएगी इस पैसे को वापस करना जो बच्चों ने फीस पे की है, तो वो यही चाहेंगे कि किसी तरीके से बच्चों का ये सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंडली चीज ये है कि हम लोगों ने एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपनी यूनिवर्सिटी से बात की थी और मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज को भी काफी लड़कों को जानता हूँ जिन्होंने एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपने यूनिवर्सिटीज के अंदर फीडबैक दिया था अपने एचओडीज वगैरह को, सबसे मेरी बात हुई थी और सबका एक ही सिर्फ इशू था कि जो भी एचओडीज थे वो सब यही बात कर रहे थे कि
हम आपकी प्रॉब्लम सुन लेंगे, लेकिन जो मेन जो उनको आंसर लेना है या उनका एक रिजल्ट खुद बनाना है उन्होंने, और मेन डिसीजन जो लेना है वो सिर्फ आपकी हायर अथॉरिटीज लेंगे। वो हायर अथॉरिटीज पीछे छुपके बैठी हुई है और वो इस चीज के सामने आ नहीं रही। कोई ब्लंट विद मैं सीधी बात आपसे करूंगा कि वो सामने आ नहीं रही बच्चों के साथ, बच्चों से वो सुन नहीं रही। हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखी थी, मेरे पास अभी भी एप्लीकेशन है, 3 पेजेस की एप्लीकेशन लिखी थी और इसमें अराउंड नंबर ऑफ बच्चों के जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे थे। और मुझे काफी लड़कों ने कॉन्टेक्ट किया था कि आप जब रिप्रेजेंटेटिव है तो ये बात करें, और मैंने वहां पे बात की। लेकिन वहां पे यही होता है कि जाहिर है उनके पास पैसा है, उनके पास ये चीजें हैं और वो यही चाहेंगे कि किसी तरीके से बच्चे यहाँ से निकल जाएं। और क्योंकि उनका बहुत ज्यादा चीजें, उनको पैसा बच रहा है और भी काफी ज्यादा उनका टाइम बच रहा है, उनको यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ा, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि बच्चों के ऊपर बर्डन कितना आ रहा है। अब घर में जैसे उन्होंने भी बात की थी कि घर में पीछे से शोर आ रहा होता, मैंने एक टीचर से बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि आप जो है अलग से सेपरेट रूम में बैठ जाएं। मैंने उनको यही एक ही गुजारिश की थी कि सर आप मुझे ये बताएं, हमारे फैमिली जो है मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के भी बच्चे होते हैं, अब उनके घर में मुश्किल से 2-2, 3-3 कमरे होते हैं, उसके अंदर वो कैसे बैठे हुए होते हैं। एक बच्चे के पास तो एक सेपरेट रूम नहीं होता, अगर वो किसी तरीके से खाली करवा भी लेता है तो कोई ना कोई तो आ रहा होगा ना कमरे में थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और यही हो रहा होता है। आप पूरा फोकस कर नहीं पाते और यूनिवर्सिटी इस चीज को देखती नहीं है। यूनिवर्सिटी सिर्फ ये समझती है कि हमारी यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा आ रहा है तो वो बहुत अमीर घराने का बंदा है, अगर कोई छोटे बच्चे हैं, माइनॉरिटीज हैं जो लोअर क्लास के हैं या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, तो अपना मसला खुद देखें, उनको वहीं पे दबा दिया गया। ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी इन्होंने मुझे सुनने में आया कि अभी ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन असेसमेंट भी होगी, अभी तो क्लासेस हो रही है, ऑनलाइन असेसमेंट भी होगी, तो आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या कोई और तरीकाकार होना चाहिए असेसमेंट का? देखें, इस चीज के ऊपर तो मैं आपसे एक ही बात शेयर करूंगा, हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, हमारा LMS आप जानते हैं, ऑनलाइन का ये एक हमारा सिस्टम होता है जहाँ पे बुक्स वगैरह शेयर होती हैं। तो पहले भी हमारा ये होता था कि आपको कोई भी आपने असाइनमेंट वगैरह करनी है तो आप सबमिट कर देते थे, लेकिन टीचर्स उसी को एक मतलब कि अपना बैक सपोर्ट बना के बात कर रहे हैं कि जब आप पहले भी असाइनमेंट करते थे तो अब क्यों नहीं कर रहे। लेकिन हर यूनिवर्सिटीज में ही होता नहीं था, अब हर यूनिवर्सिटीज में पहली बात इंप्लीमेंट कर दिया गया सिस्टम। दूसरी चीज ये है कि हम लोग यूनिवर्सिटी में जब होते थे, कोई मसला होता था, डायरेक्टली टीचर के पास जाते थे और टीचर फेस टू फेस हमारी प्रॉब्लम को समझते थे, उसको डिस्कस करते थे, उसका आंसर देते थे, हम उसको करते थे। तो और लेकिन अगर घर के ऊपर है, घर के अंदर हम लोग बैठे हुए, चीटिंग दबा के हो रही है, मैं खुद अपने बच्चों को जानता हूँ, हमारे ग्रुप्स के अंदर एक बच्चे ने अगर कहीं से गलती से असाइनमेंट कर ली नेट से उठा के, वो पूरे सब बच्चों को देगा और सारे बच्चे उसको कॉपी कर रहे हैं। सीधी बात जो है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ, पहले चीटिंग होती थी लेकिन इतनी नहीं है। अब दूसरी चीज देखें, अब ऑनलाइन जो ये इन्होंने टेस्टिंग सिस्टम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं लोग, कई यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं उनका स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक हुआ उनका फॉर एग्जांपल क्विज हुआ था और उनका यहाँ पे मिस हो गया। यहाँ पे भी मैं जहाँ पे भी आया हूँ, यहाँ पे मेरे जाने वाले हैं, उनका भी यही उन्होंने बताया कि हमारा जैसे आज उनका अगर टेस्ट होना था तो उन्होंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनको पता है घर में बच्चा बैठा हुआ है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने लॉग इन किया 10 मिनट का, अगर आपने टाइम दिया हुआ है, वो कॉपी करके सबको शेयर नहीं करेगा, इस चीज की कौन गारंटी लेता है? कोई गारंटी नहीं लेता इस चीज की। और वो लोग उस चीज का क्या, वो बोलेंगे भाई हमारा हेडेक नहीं है, चीटिंग करनी है करो। भाई हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जाते, पहली चीज ये है, हम वहाँ पे एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं, हमें वहाँ पे पता होना चाहिए, हम लोग दुनिया के अंदर कदम रख रहे हैं, हमारा हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। उस चीज को ये लोग समझते नहीं, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर हमारी डेवलपमेंट चल रही है, उसके अंदर वहां पे जिन्होंने कभी ऑनलाइन सिस्टम सुना नहीं था टीचिंग का, उनके ऊपर फौरन इंप्लीमेंट कर दिया, ये नहीं कि उसको पढ़ाया गया, डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दिया। तो आई डोंट थिंक सो कि ये सिस्टम दोबारा चल पाएगा, ये कंटिन्यू होगा, और अगर होगा भी तो सिर्फ अमीर घरानों के अंदर हो सकता है कि थोड़ा बहुत चल जाए, बच्चे इस चीज को समझें, लेकिन हमें जो है अपने गरीब तबके को भी तो देखना है, जो हमारा मिडिल क्लासेस है उनको भी तो देखना है कि उनके साथ क्या चल रहा है। तो अगर घर पे भी बैठे हुए, जब ऑनलाइन वहां पे हम लोग एट द कैंपस अगर हम लोग वहां पे टेस्ट देते थे, वहां पे क्विजेस वगैरह होते थे, वहां पे हर चीज, हर बंदा इस बात को जानता है कि वहां पे चीटिंग होती है। सोचें जब घर के ऊपर बैठा हुआ है तो उस वक्त कितनी चीटिंग होगी। अब जाहिर है आदमी खुद तो नहीं छोड़ सकता ना, अब हमारे जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो मैंने आपको पहले बताया, तो उसको एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बल्कि चीटिंग करने का आपने उसको एक तरीका बता दिया, बेटा इस तरीके से चीटिंग करो। क्योंकि अब हम देखें इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर जो काम हो रहे हैं, घर में बैठ के लोग जो है वो काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी जो आप चीटिंग करोगे इसी तरीके से, आपको कोई भी काम करना है आप सारा इसी तरीके से चीटिंग सिखा दी गई, बेटा अगर आपको घर में काम दिया गया आप ऐसे चीटिंग कर सकते हो। अच्छा, चीटिंग करने के तरीके आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो एक बहुत ही गलत चीज है। जी, आपने ये चीजें तो मुझे बता दी, लेकिन आपके नॉलेज में अगर हो, एक सिस्टम होता है ओपन बुक पेपर होता है, ओपन बुक ओपन इंटरनेट पेपर भी होता है, इस चीज का भी कॉन्सेप्ट है, तो शायद आप लोगों को इस चीज का सामना करना पड़ेगा, टीचर्स जो हैं वो ओपन बुक आपको पेपर दे दें, वो आप सॉल्व कर लें, उसके अंदर आपके पास ड्यूरेशन होती है कि इतनी देर के अंदर आपने सॉल्व करके ये सबमिट करवा देना। मतलब
माशाल्लाह आपने ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने ये पूछी। इसमें मैं आपसे सिर्फ दो बातें शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है, ओपन बुक टेस्ट हम लोग यूनिवर्सिटी में अभी तक पढ़ रहे हैं, आप किसी बच्चे से पूछ लें मुश्किल से एक या दो कोई टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को चाहते हैं वाकई उनको अवेयरनेस है, वो ओपन बुक टेस्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉम्पिटिशन वगैरह के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, आप लोग क्या करते हैं, आपको फॉर्मुलाज वगैरह रटे हुए तो होते नहीं, आप बुक से उठाते हो, तो उसके अंदर आपको क्या होता है भाई, नॉलेज मिलती है आपको, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन घर में बैठे में ना आप कभी भी उसको ओपन बुक टेस्ट को सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि जाहिर है एक टाइम स्टार्ट उसका होता नहीं, जिस वक्त आप लॉग इन करेंगे ना उस टेस्ट को स्टार्ट करेंगे तभी से आपका टाइम स्टार्ट होगा, और वो भी बच्चे जिनके पास इंटरनेट ही, वो क्या करेंगे पहली चीज तो ये, और दूसरा जो ओपन बुक टेस्ट की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या कि वो सीखेंगे क्या इस चीज को, बिल्कुल नहीं सीखेंगे, क्योंकि घर में उनके मसाइल चल रहे हैं, खाने के मसाइल चल रहे हैं। उस दौरान अगर आप ये बात करेंगे यार आप नॉलेज इसके ऊपर कर लो, यानी कि आप इस पे फोकस करो, अगर देखें अगर वो इंसान भूख से मर जाएगा तो आप मुझे बताएं उसकी पढ़ाई किसी काम आएगी क्या ये? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आएगी, नुकसान है ना उल्टा। अब लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं ये, एक मतलब के टीचर से बात की मैंने, उन्होंने भी कहा कि बेटा आप ये एक डिबेट कर रहे हो, मैंने कहा सर ये डिबेट नहीं है लेकिन एक रियलिटी है जो आप इसी को झुठला रहे हो। एक टीचर है हमारे, उनको एक एक लाख रुपए डेढ़ डेढ़ लाख रुपए तनख्वाह होती है, हमारे एचओडी की 2 लाख रुपए तनख्वाह होती है, तो ये चीज है कि उनकी काफी ज्यादा मतलब के पे होती है, हम लोगों को ये नॉर्मल नंबर्स बताए जाते हैं, लेकिन देखें उन वो इस चीज को नहीं समझ पाते। एक गरीब आदमी है वो इस चीज को समझ पाता है कि क्या चीज चल रही है। अब तो ये ऑप्शन मिल गई ना कि अब वो दो जगह से अर्निंग कर सकते हैं, एक तो यूनिवर्सिटी की पे तो उनको मिलेगी, उनकी तो डिडक्ट नहीं होगी, और यूट्यूब से अलग से कमाई कर रहे हैं, जितने उनके स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर देखना पड़ेगा, टीचर्स को तो फायदा हो गया ना, डबल अर्निंग होगी उनकी। बिल्कुल। और असेसमेंट के हवाले से आप कोई चीज सजेस्ट कर दीजिएगा कि किस तरह से असेसमेंट होनी चाहिए जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे आप चीटिंग के बारे में बता रहे थे कि चीटिंग भी लोग ना कर सकें और एक नॉलेज गेन कर सकें। जी देखिए मैं आपसे 3 बातें यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि हमारे जो फर्स्ट 3 ईयर्स के मतलब फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट होते हैं, या सीधी बात आपसे करूंगा जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, सिर्फ उनकी क्लासेस कंटिन्यू करें, बाकी की डिसमिस कर दें। अब टीचर्स जो इस हवाले से बात कर रहे हैं कि जो बाकी बच्चे हैं वो घर में पढ़े पढ़े क्या भाई लाचार हो जाएंगे, मतलब पढ़ाई के लिहाज से जो हमारे मोस्टली डायलॉग्स मिल रहे हैं टीचर्स से, वो सिर्फ यही मिल रहे हैं कि भाई आप जो है घर में पढ़े पढ़े लाचार हो जाएंगे, कुछ कर रहे हो काम है नहीं तो आप पढ़ाई कर लो। देखिए उनके लिए सिर्फ एक ही मेरे लिए सोल्यूशन जो नजदीक में है वो ये है कि आप बच्चों को इंफॉर्मेशन रिसर्च बेस्ड वर्क दें जिससे वो सीखें, ना कि ऐसी चीजें आप उनको प्रोवाइड करें कि उनको सिर्फ उनको सुनने में भाई मसला हो रहा हो। मतलब एक बहुत अजीब सा माहौल क्रिएट हो रहा है, आप उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहे हैं, आप उनको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं कि एक मसला हो रहा है, ठीक है हर एक को मसला है, तो भाई एक सोल्यूशन ऐसा डिलीवर करें, ऐसा सोल्यूशन लेके आए, और वो मेरे नजदीक यही है कि आप उनको एक कोई भी काम दें हर बच्चे को सेपरेटली, टीचर्स भी तो थोड़ा सा काम कर लें, हर काम बच्चे ही थोड़ी करें, टीचर्स के लिए भी वैसे थोड़ा सा हल्का काम है ये कि आप सिर्फ उनको टॉपिक्स दे दें, जैसे फॉर एग्जांपल आप उनको बोल दें बेटा ये एक प्लेन के आपको कंस्ट्रेंट्स दे दिए मैंने, आप ये डिजाइन करके दो, बच्चा रिसर्च करेगा उसके ऊपर। फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट होगा, सोचें अगर वो इस चीज पर रिसर्च कर रहा है हमारी जो इन्फॉर्मेशन का लेवल है कहाँ जाएगा, उसका एक कैलिबर बच्चे का हाई हो जाएगा, उसको पता होगा मैंने अगर कोई आगे प्रोजेक्ट करना है, कोई आगे रिपोर्ट्स बनानी है, मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनसे वो सीखेगा। जाहिर है इंटरनेट तो बंद हुआ नहीं है ना, लेकिन अगर किसी के पास काम नहीं है तो ये होगा कि उसके पास ये जो 6 महीने का बीच में गैप है वो इसमें किसी ना किसी वक्त तो वो कहीं पे इंटरनेट उसको मिल जाएगा, वरना क्लासेस के लिए क्या हो कि उसको रोज रोज उसको इंटरनेट की जरूरत पड़ी है। लेकिन अगर उसके आपने रिसर्च पे दे दिया उसको तो वो क्या करेगा, किसी भी वक्त उसको इंटरनेट मिल रहा है इन 6 महीनों में, वो उस वक्त अपना रिसर्च का काम करेगा, और उस तरीके से क्या होगा भाई वो सीखेगा काम को, उसको पता होगा मुझे आगे काम करना कैसे है, आगे मुझे क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी है, तो वो एक मैच्योर बंदा बन जाएगा और उसका कैलिबर बहुत अच्छा हाई हो जाएगा। दूसरी चीज ये, हमारे टीचर्स इस चीज पे कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे इंजीनियर्स वगैरह हमारे डॉक्टर्स वगैरह वो इस चीज से लेट हो रहे हैं कि उनको इंडस्ट्री में आगे भेजा जाए, उनको आगे जो है सोसाइटी में भेजा जाए। पहली चीज तो मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि इस वक्त के अंदर बच्चों को निकालना एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन एक टीचर्स जो है हमारे वो इस चीज को ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो अगर वो ये है तो उनके लिए एक मेरे पास सोल्यूशन ये था कि आप जितने टीचर्स हैं जो छोटे बच्चों को जब आपने दे दिया, मतलब के जो नीचे वाले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ईयर्स के स्टूडेंट हैं, मतलब के फाइनल ईयर में नहीं है वो, उनको आपने रिसर्च बेस्ड वर्क दे दिया, अब वो टीचर्स तो फारिग हो गए ना, तो वो सारे के सारे टीचर्स मिलके किसके ऊपर फोकस करें, लास्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के ऊपर, कि उनको कोई भी मसला आ रहा है टीचर्स हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहे, अलग अलग टीचर्स की राय लेके बच्चे, उनका भी ये कैलिबर बहुत हाई हो जाएगा जो हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी मसला नहीं होगा कि हम लोग देखें कि हमारे जो इंटरनेट के ऊपर मीम्स बन रहे हैं डिफरेंट टाइप के, भाई यूनिवर्सिटी के अंदर से उसके डिग्री के अंदर और बच्चों में कितना फासला रह गया, भाई आपको डिग्री मिल जाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन डिग्री से डिफाइन नहीं होती, लेकिन जैसे ही हमारी के मुल्क है, हमारा ये मुल्क है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर हम लोग आते हैं तो एक है एक वेटेज है
उसकी भी, तो उसके लिए यही है कि आप उन बच्चों को क्या कि सारे टीचर्स मिलके उनके ऊपर फोकस करेंगे तो उनको क्या होगा, एक इन्फॉर्मेशन उनके पास गेन होगी, एक मटेरियल होगा कि जब आप लास्ट अपने फाइनल ईयर से आप ग्रेजुएट हो रहे हो तो सोचें आप कितने एनरिच्ड होंगे बच्चे हमारे। लेकिन तो इसके अंदर एक यूनिवर्सिटी का भी नाम बन जाएगा इंडस्ट्री के अंदर। जी जी, इसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी कि आप कह रहे हैं कि लास्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, इसके अंदर तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आप जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और जो सिक्स सेमेस्टर के आपके पास स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर अगर टीचर्स फोकस नहीं करेंगे तो उनको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर जाके, क्योंकि पिछले सब्जेक्ट्स रिलेट करते हैं अगले सब्जेक्ट से, तो अगर उनको फोकस नहीं किया जाएगा वो अगले सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ेंगे, सारी डिग्री वेस्ट हो जाएगी उनकी। तो इस तरह से जी बहुत अच्छी चीज, मैं इसके अंदर ये कह रहा हूँ, देखें आप बच्चे को ये देखें उसको नॉलेज मिल कितनी रही है। जी जी, कि आप मुझे ये बताएं, एक हमारा जो बच्चा अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट होता है, मोस्टली तो अंडर ग्रेजुएट को मसला आ रहा है हमारे, अंडर ग्रेड का एक स्टूडेंट है हमारा, सोचें कि आप उसको इतनी इन्फॉर्मेशन दे पा रहे थे, वो बच्चा जो घर में बैठ के इतनी उसने रिसर्च का काम किया उससे उसने ज्यादा सीखा, जो आपने काम उसको एक रटवा दिया उससे ज्यादा सीखा। आप सिर्फ ये इस चीज का आंसर मुझे कर दें, आप भी टीचर माशाल्लाह आप भी जानते हैं कि आप रटवा के बच्चे को उतना एनरिच नहीं कर सकते जितना बच्चा वो खुद रिसर्च करेगा, उसको पता होगा मुझे काम सीखने के लिए दिया गया, एक बर्डन नहीं उसके ऊपर, सिर्फ एक प्रोजेक्ट सेमेस्टर का दे दें तो क्या होगा, उसका इतना फायदा होगा आप सोच नहीं सकते, एक खुले दिमाग से वो चीजें सुन रहा होगा, उसको सोच रहा होगा, लोगों से उसके कॉन्टेक्ट होंगे तो कितने अच्छे तरीके से वो बात करेगा। अगर वो इंटरनेट भी अपना इस्तेमाल कर रहा है तो सोचें वो किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, अपना सारा रिसर्च वर्क का उसका फोकस रहेगा, जिस वक्त उसको टाइम मिल रहा है रात को 12 बजे टाइम मिल रहा है 2 बजे मिल रहा है, तो आप ये करें कि इस सेमेस्टर को फ्रीज कर देना उनका, आप इसको क्वारंटाइन टाइम करके डिक्लेयर कर दें जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज ने किए, अब कई जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उसने इस चीज को छुट्टी डिक्लेयर दी है कि आप लोग इसको जो वेकेशंस कंसीडर कर रहे हैं समर वेकेशन, ये तो ज्यादा सिस्टम, तो ज्यादा लोग क्यों नहीं कर सकते ये? जी जी, ज्यादा सिस्टम सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर ही चल रहा है, प्राइवेट जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस किए शुरू, लेकिन गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें से चंद एक हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए, बाकी किसी ने भी शुरू नहीं की। जी जी, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो ये इसके अंदर भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, वो भी यही बता रहे थे कि हम लोगों को क्या हो रहा है वहां पे, हमें मसले आ रहे थे, टीचर्स को भी हालांकि मसले आ रहे थे, हमारे टीचर्स तो शेयर करते नहीं है, वो कहते हैं भाई मसला आपको अपना क्लियर करो उसे, कोई मसला नहीं, हाँ भाई सोल्यूशन आप बता दो, आपको कोई मसला आ रहा है हम उसको थोड़ा सा कर देंगे, थोड़ा सा उसको लाइट दे देते हैं कि बच्चा हमारी साइड पे हो जाएगा, आप थोड़े से बच्चे की उठा दो बच्चा हो जाता है, आप उसको थोड़ा सा दिखा दो बेटा आपको 4 GPA मिल जाएगा, बच्चा तो 4 GPA के ऊपर ऐसे फ्लैट हो जाता है, वो बोलेगा सर आप ऑनलाइन क्लासेस छोड़े पढ़ाए ही नहीं आप। जी बिल्कुल ऐसे ही, मतलब हमारे बच्चों में ये है ना, लेकिन उस चीज को अगर आप थोड़ा सा ऊपर लेके जाए, उसका कैलिबर बढ़ाएं, बच्चा इस चीज पे फोकस करे कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिसर्च बेस्ड वर्क दें वो आदमी, उसको काम करना सीखे ना, अगर वो काम करना नहीं सीख रहा तो आपकी तो यूनिवर्सिटी भी वेस्ट हो गई। अब डिग्री की बात करें, मैं कहूंगा 16 साल अभी तक पढ़ा सारा वेस्ट गया अगर उसको रिसर्च बेस्ड वर्क नहीं दिया, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज बहुत लैक कर रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हर मसले के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है, हम लोगों को ये मसला मिला, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिली, आप बच्चों को रिसर्च बेस्ड वर्क करवाए उनसे, उनको फायदा होगा, तो हमें ये सोल्यूशन मिलता है, इंटरेक्शन होगी स्टूडेंट्स के ऊपर ऑनलाइन, हमें ये सोल्यूशन मिलता है कि ऑनलाइन असेसमेंट जो करनी चाहिए वो रिसर्च बेस के ऊपर करनी चाहिए, बच्चों को एक टॉपिक दे दिया जाए उसके ऊपर वो रिसर्च करें, उनको प्रॉपर गाइड किया जाए कि रिसर्च किस तरह से होती है, वो रिसर्च करके अपनी अपनी रिसर्च सबमिट करवाएं, उसके मुताबिक उनकी असेसमेंट कर दी जाए। ठीक हो गया, ये अमार राशिद साहब की तरफ से हमें टेक्निक बताई गई है कि ऑनलाइन असेसमेंट इस तरह से हो सकती है। जी सुल्तान हैदर साहब, आप हमें बताइएगा कि ऑनलाइन असेसमेंट किस तरह से होनी चाहिए, क्या आप एग्री करते हैं इस बात से, आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है आप वो बताना चाहते हैं? हमारे जगह अगर लो लेवल के तो हमारे मैट्रिक तक यही सिस्टम रहा है कि जब 3 माह के जब बच्चे को छुट्टियां मिलती हैं, जब ये मतलब मई के ऑनवर्ड से बाद मिलती हैं, तो बच्चे को एक घर में उस टाइम पीरियड में बच्चे के ऊपर चेक एंड बैलेंस सिर्फ उसकी फैमिली का होता है, मतलब टीचर्स उसका चेक एंड बैलेंस नहीं कर सकते। तो वो क्या कहते हैं कि मतलब ताकि उनको मतलब वो इस चीज को के मतलब इस चीज से अपने टास्क से हटे नहीं, तो वो उनको मतलब कुछ काम दे देते हैं 3 मंथ के लिए, ताकि मतलब जो के मतलब एक बच्चे या वो जितना सिलेबस कवर कर सकते हैं तो मतलब उतना वो बच्चे को टास्क दे देते हैं कि आपका 3 माह के बाद ये टास्क चेक होगा। इसी लिहाज से अगर इन्होंने मतलब अगर ये वाकई में ये यूनिवर्सिटीज या मैनेजमेंट हमारा भला चाहती है, अगर अपने स्टूडेंट को पॉलिश करना चाहती है, उसको एस्टेब्लिश मतलब उनके वाकई में ये उनके मतलब
उनके स्टडीज के हक में है कि उनका भला हो, तो ये इनको, मैं एमआर भाई के मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल उनके साथ हूँ कि उनको कोई प्रोजेक्ट दे दें, उनको कोई टास्क दे दें इस दौरान करने के लिए, कि मतलब कि आप ये प्रोजेक्ट इसके ऊपर काम करें हर सब्जेक्ट के लिहाज से जो आपके सेमेस्टर वाइज होगा या अदरवाइज सेमेस्टर से हटके भी हो, तो आप मतलब अगर ये उनके बेहतरी के लिए, मतलब उनके बेहतरी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कि वो फ्री ना घर में बैठे, तो उस लिहाज से वो उनको टास्क दे दें। पर अगर वो कह रहे हैं कि वो क्वारंटाइन में भी अपनी मतलब जो उन्होंने फीसिस वो अपनी फीस लेने के लिए या अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको पे करने के लिए अगर हमारा इस तरह खर्च कर रहे हैं हमारे सेमेस्टर का, ये तो बिल्कुल बच्चे के मतलब उनके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। ये एक पूरा का पूरा सेमेस्टर हमारा, मतलब आप कह सकते हैं कि उसका पूरा सेमेस्टर बर्बाद करने वाली बात है कि मतलब बच्चा क्या करेगा ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन ही पढ़ना हो, अगर इसी तरह पढ़ना हो तो मतलब इतनी है YouTube से लेते हैं चैनल्स, YouTube से लेते हैं टॉपिक, किसी और भी लोगों ने ये किए हुए हैं अपलोड अपने लेक्चर्स, हम वहां से भी तो पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी को जो हम फीस पे कर रहे हैं वो हमने ये देखना है कि जो हम फीस पे कर रहे हैं उसके इवज वो हमें दे क्या रही है, क्या हमें वैसा एनवायरमेंट दे रही है, क्या वो फैसिलिटीज हमें पे कर रही है, वो एज ए कस्टमर देखा जाए क्या उन्होंने यहाँ हमारी फीस के लिहाज से उन्होंने हमें उतनी कंसेशन दी है कि मतलब आपको हम मतलब एक तो उस लिहाज से जो जो फैसिलिटीज थी वो भी नहीं थे वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या उस लिहाज से उन्होंने अपनी फीस में कमी की है? बिल्कुल भी नहीं की, वो अपनी पूरी फी ले रहे हैं, मतलब पूरी एक प्रेजेंस का ले रहे हैं, एक पूरी अपनी बिल्डिंग रेंट और उधर अदर जो होती है फैसिलिटीज सबका ले रहे हैं, तो इस लिहाज से अगर देखा। पर सर ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आप ऑनलाइन क्लासेस लेने की फैसिलिटी है कम फीस पे, पर ये भी है कि अगर आप अगर लेना चाह रहे हैं इंस्टीट्यूट में आके तो आपको ये सर्विस अवेल की जाएगी, आप यूनिवर्सिटी में आए आपको यूनिवर्सिटी वो मतलब सर्विस अवेल करेगी, वो इस बात की रिस्पॉन्सिबल है। पर यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे टोटली स्टूडेंट स्पॉइल हो रहा है। ले जनाब बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आप लोगों को अच्छा नॉलेज मिले ये दुआ हम कर सकते हैं, अल्लाह ताला हम सबको ये कोरोना वायरस जो वबा फैली हुई है इस हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम। आमीन।